राजधानी लखनऊ के मोहल्लालगंज कोतवाली के कोरोना गांव में 6 दिन पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुई छात्रा पारुल यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक छात्रा की हत्या को उसके पड़ोस में रहने वाले चचेरे चाचा ने ही की थी। पुलिस की माने तो छात्रा पिता की गैर मौजूदगी में चचेरे चाचा के घर आने जाने पर करती थी ऐतराज। चचेरा चाचा इसी वजह से वह मन ही मन छात्रा से रखता था रंजिश, और बीते शुक्रवार को मौका मिलते ही उसने छात्रा को अकेले पाकर उसके सर में डंडे से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। मोहल्लालगंज पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी चाचा को मय आला कत्ल डंडे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए इस संबंध में DCP गोपाल कृष्ण चौधरी ने क्या कहा। 3 जून को थाना मोहल्लालगंज में एक हत्या हुई थी, उसका आज खुलासा हुआ है। इसमें मोहल्लालगंज थाना क्षेत्र के गांव के परिवार वाले, उसके दोस्त, पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों का इंटरोगेशन हुआ, सभी तथ्यों को देखा गया, जांचा गया, इसके बाद इस मर्डर का खुलासा हुआ है। इसमें राम सुमेर यादव उर्फ कल्लू उर्फ प्रधान मुलजिम निकला। वो मृतका के पिता का चचेरा भाई है, और उसने वो उसका घर पे आना जाना रहता था, जो पीड़िता को मृतका को पसंद नहीं था। और मृतका शाम को 3 तारीख को निकली थी, उसी समय इसने डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसको अरेस्ट कर लिया गया है, डंडे को बरामद कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। सर, जहाँ पर सौ मिला था, क्या वहीं पर हत्या की गई या फिर कहीं और हत्या के बाद सौ फेंका गया? नहीं, वहीं पर हत्या की गई है, और ये परिवार का ही था, तो इसलिए कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट का निशान नहीं है। सर पे 2 चोट है जो डंडे के निशान के साथ मैच खा रहे हैं।